सरगुजा के मैनपाट ब्लॉक के पथराई गांव में प्रस्तावित सीएमडीसी बॉक्साइड खदान के विरोध में श्रमिक हड़ताल कर रहे हैं। कई मांगों को लेकर श्रमिकों ने मैनपाट के तहसीलदार समेत सीएमडीसी प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। श्रमिकों ने सीएमडीसी पर श्रमिक के आरोप लगाया है कि श्रमिकों के आरोप प्रत्यारोप के बाद सीएमडीसी प्रबंधक कांवर साहब मीडिया के सवालों से मुंह छिपाकर भागते नजर आए। आपको बता दें, सरगुजा जिले के मैनपाट के अलग अलग इलाकों में सीएमडीसी बॉक्साइड उत्खनन का काम कर रहा है। खदान खोलने से पहले यहां लोगों से जमीन लीज में ली जाती है और नौकरी देने के नाम पर आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सभी श्रमिकों को ठेकेदार काम नहीं दे रहे हैं। मजदूरी दर बढ़ने के बावजूद पुराना रेट दिया जा रहा है। श्रमिकों की समस्या सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जा रही है। यहाँ एमकेपीएसएल के द्वारा एमकेपीएसएल ठेकेदार हैं और सीएमडीसी के द्वारा माइनिंग कराया जा रहा है, जिसमें यहाँ खदान का जो भी नियम कानून है, रूल रेगुलेशन एक्ट सेक्शन, किसी प्रकार का फॉलो नहीं हो रहा है। पहला बात, यहाँ डंपिंग गार्ड जो है, डंपिंग गार्ड का जो नियम सेफ्टी का होता है, वो किसान के खेत में पत्थर गिर रहा है। पथराई माइंस में जो एमकेएसपीएल अपना माइंस चला रहा है, इसमें ठेकेदार से हम लोग को बहुत सारे चीज का मतलब कमी महसूस हुआ है। सीएमडीसी भी इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारे चीज को जो देना चाहिए वो दिया नहीं। बेसिकली इसमें सबसे पहले तो ये क्या है कि रोजगार नहीं दिया है, सभी लोगों को साइड नहीं दिया है पत्थर तोड़ने का। सभी लोग मतलब पूरी तरह से पत्थर नहीं तोड़ पा रहे हैं। अगर पत्थर तोड़